श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार क्रम से देख रहे हैं प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में, श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पैठण में 2 से 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुए भूगर्भ से प्राप्त 2000 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ जिन बिंब के नूतन वेदी शुद्धिकरण एवं भगवान विराजमान मुहूर्त सहित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य झलकियां। आज हम हाजिर हैं दूसरी कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे इस महा महोत्सव में 3 दिसंबर 2023 के शुभ दिन आयोजित हुए भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव के भव्य दृश्य। ये 3 दिसंबर 2023 यानी इस पंच कल्याणक के शुभारंभ का मंगलमय दिवस था, अर्थात इस पंच कल्याणक महा महोत्सव का प्रथम दिवस। इस दिन गर्भ कल्याणक दिवस को आयोजित करते हुए प्रातः की सुमंगल बेला में पूज्य आचार्य श्री ससंग के पावन सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में महोत्सव के सभी पात्र और सभी इंद्र एवं महामंडलेश्वर आदि बग्गियों में सवार हुए। समाज जन सैकड़ों की संख्या में बेहद झूमते नाचते और भरपूर उत्साह के साथ कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़े। पूज्य गुरुदेव के ससंग सानिध्य ने भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें स्वामी इस महामंत्र का कोई न सानी। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये भव्य शोभा यात्रा
कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। तत्पश्चात ध्वजारोहण स्थल पर विधि पूर्वक पूजन आदि किया जाता है। तत्पश्चात पंडाल में प्रवेश कर श्री जी की प्रतिमा को यथास्थान विराजमान किया जाता है। इसके बाद कार्यक्रम प्रांगण में मंगलमय ध्वजारोहण के शुभ प्रक्रम को पूर्ण किया जाता है। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल का भव्य उद्घाटन किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर पूज्य गुरुदेव स्वस्थान विराजमान हो जाते हैं और फिर भगवान के अभिषेक शांति धारा एवं पूजन से कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाया जाता है। आदि प्रभु की पूजा का ख्याल में जामे झीम 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 राम पते श्रीमते पावेत्र तार द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो रथ इष्टेर मनोरथ सतेरी भव्य भूषा संसुति सुद्या परियाभि सुद्या करंब में हमेशा में तऊ पऊ हेमल मंगल कानरे बांकुले गातिकर में जय कर अजराय अमराय उपयम परम पूज्य आचार्य कुंत समाधान गुणंदी महाराज संगत से माता पिता शांतिलाल सो कमला देवी शांतिलाल जी बच नागपुर निवासी सहपरवर्ष चिंचिंदे बिनमिंदे चिंचिंदे बिनमिंदे चिंचिंदे बिनमिंदे सर पुष्पमारी चिंचिंदे बिनमिंदे सर फलमारी चिंचिंदे बिनमिंदे ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सेता ठमलवरु साम चमि चमु चमु चमा ओम रा नमल सम सर रोगपद्र शांतिम कुरु कुरु। इसके बाद सौभाग्यवती महिलाएं कलशों में भरे पावन जल से कार्यक्रम स्थल को शुद्ध करती हैं। ओम जयंत कलशन मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा ओम नि वेजयंत कलशन मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा ओम निचंद कलशन मंडप वेदी शुद्धि करोमि स्वाहा ओम निचंद कलशन मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा ओम नि सूर कलशन मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा ओम नि लोकालोक कलशन मंडप शुद्धि। दोपहर के समय नित्य महापूजन जाप्यानुष्ठान एवं याग मंडल विधान आराधना आदि का मंगलमय उपक्रम पूर्ण किया जाता है। ओम नमो सिद्धाणाम सहा सिर के बाईं ओर ओम ब्रह्म नमो आयरियाणाम सहा सिर के दाएं भाग पर ओम ब्रह्म नमो झाणाम सहा ऊपर ओम ब्राह्म नमो अंतर्भागष्टाम नमः सहा शरीर को टच करना है ओम ब्राह्म नमो अंतर्मम शीश रक्ष रक्ष स्वाहा रूम रघुम सर्वांग रक्ष रक्ष इसी दौरान अभिनंदन समारोह का आयोजन कर
कार्यक्रम में पधारे और भाग लेने वाले श्रेष्ठीगणों का स्वागत व सम्मान किया जाता है। तत्पश्चात विधान की क्रियाएं जारी की जाती हैं। विधान पूजन करते हुए भक्तगण खूब भक्ति करते हैं और चारों दिशाओं में भगवान की जय जयकार गूंजने लगती है। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन झूमते नाचते भक्तगण भगवान की मंगल आरती करते हैं। क्या बात है, जय हो, बहुत बढ़िया। ओमरी वरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चतुर्भु क्षुदारोग विनाशनाय नई विद्य निरुपमति। जिन चेत चतु अष्ट कर्म दायनाय मोहन कर विनाशनाय आदि प्रभु जी मेनु प्यारे लगे दे। आदि प्रभु जी मेनु प्यारे लगे दे। मारी मामा मारी तो बसर जमकानी रे। तेरी संता के रखना चला के रखना लम निरपामति सहा झुके झुके करू रे करना। क्या बात है, धर्म जिनागम जिन चेत चेतल वो अनर्घ पद प्राप्त आए अरे हम निरपामती। ओम ब्रीम अरहन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्र अरिहंति बने मोहारी प्रम घातिया कर्म का घात किया। ओम प्रभावक से सन्निधि विधान आये समन्त पुष्पता तो जली पुष्पांजलि छपेते। त्रिकाल तीर्थंकर चतुर मंगलो शरण पूज जिन धर्म जिनागम जिन चेत चलो काम वर्धवंस नाय पुष्पम निरपामति। ओम श्री पंच परम गुरु त्रिकाल तीर्थंकर चतुर मंगलो शरण शरण जिन धर्म जिनागम जिन चेत चतुप मोहांधि कर विनाशनाय दीपन प्रामति। जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेत्र वो अनर्घ पदि प्राप्ताय अर्घम निरिपामति। इसी दिन गर्भ कल्याणक से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्कार क्रियाएं आदि संपन्न की जाती हैं। जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेत लभ्यो जय माला से पूर्ण अर्घम निरिपामति सहा। ओम ब्रीम आचार्य परमेष्टिना जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल निरपामति। ओम ब्रीम उपाध्याय परमेष्टिना अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरपामति। ओम ब्रीम साधु प्रमाष्टाठाय स्थापनम शांति शांति धारा पुष्पांजलि छिपामि। ओम ब्रीम निर्वाण सागर तिथि कालाति तीर्थंकर अनघ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामति। ओम ब्रीम अरम श्री साधु मंगलोत्तम सनर्भ्यो जलादि निरपामति। ओम ब्रीम जिनागम अत्र अवतरत सम्मो सटे हवाननन अत्र तिष्ठाटाय स्थापनम अत्र मम सन्निधो सन्निधीकरणम। म्री वरम श्री जगत्रय वर्तजन बिंब समूहाय अनर्घ पद प्राप्तय अर्घम निरपामति। यज्ञ भावमे जामहे ज प्रगति प्रगतम अर्घम समर्पयामति।
इस क्रम में आगे अष्ट कुमारियों का पूजन किया जाता है। ओम आम क्रोमरी जामुनन देवी अत्र स्थानी पुष्पांजलि। ओम आम क्रोमी ज्वाला मालिनी देवी। ओम आम क्रोमरी मानवी देवी। ओम आम क्रोमरी मानसी देवी। ओम आम क्रोमरी महामानसी देवी अत्र अगस्ठिष्ठा स्थापन पुष्पांजलि। ओम रीम रोहिण्या देवी इदम जलादीपावती। ओम री जय श्यामा जिन मात्र अगस्ठाठा स्थापना पुष्पांजलि। देवी दत्त जिन मात्र अगस्ठाठा स्थापना पुष्पांजलि। ओम री नवग्रह समुदाय पूजा प्रतिज्ञापनाय चतुष्कोण मंडल परि पुष्पांजलि क्षिपेते। ओम री आदित्याय सौगण प्रवृत्ताय इदम जलादि अर्घम समर्पयामति। ओम री गौरी सौ प्रवृत्ताय इदम जलादि अर्घम समर्पयामति। ओम री बुद्ध महाग्राय शिवम गुरु गुरु इस विधि जी नर भक्ति नवग्रह देवो की पूजा विधि की हे रविचंद्र आदि नव देवो तुम प्रसन्न हो तो नीति अर्घ चढ़ा देंगे इदम जलादि पूर्ण अर्घम निरपामति। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन होता है। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तगण भगवान के गर्भ कल्याणक से संबंधित विविध पावन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। पद स्थापनम करोमि सहा। और इस तरह विभिन्न पावन क्रियाओं को करते हुए याग मंडल विधान संपन्न किया जाता है। भैया ओम ब्रीम ब्रह्म रहे सह मुग्धर आयुध स्थापन करोमि सह। मंडल के जो गोल में स्थापू यहां महान स्थापन करोमि सह। ओम ब्रीम यंत्र स्थापय सर्व देवताय पूर्ण यजमाहे प्रगता प्रगता यजमान प्रेता शांति कर करो सह पुष्पांजलि छपेते। पूर्णियर्गम निपामति साहा कन्या का सौभाग्य प्राप्त करेगा बोली के माध्यम से पात्र का चयन करेंगे। इस दौरान भक्तगण पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन भी करते हैं। इसी के साथ इस दिन का कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और भक्तगण मांगलिक हवन को संपन्न करते हैं। भारत देश महाराष्ट्र प्रांत क्षेत्र पावनरा पावन भूमि पेठन स्थित मुनीश्वर स्वामी मूल नायक वेदिका विराजमान जन्मे पंच कल्याण महोत्सव आदिनाथ स्वामी एवं समस्त विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ मंगल दीपक स्थापना गुरु में झीम झीम हमसा स्वाहा विराजमान हो जाए अपने यथास्थान। तीर्थंकर गणधर केवली कुंड से शुद्धि करो मैं चतुर्कुंड शुद्धि करो मैं स्वाहा। कुंड में धागा बंधा है हाथ लगाओ। ये बाहर बना हुआ कटनी के पास ये बंधा देखो। ओम पंचवर्ण सूत्र वेष्ट्या मेरी स्वाहा। ओम दिखपाल कुमार देव सब लोग कटनी पे भाई जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है।
ओम ब्रह्म सदाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। ओम निपन गोनुतकरा नमः दीपं समर्पयामि। ओम ह्रीं जन्मको सरस्वती देव्य मार्गं निर्भवामिति। ओम ह्रीं अरमस्य अवसर्मा मंगलोत्तम सरण जिन भूतेभ्य नमः ब्रह्म केन्द्र सिद्धरेन्द्र गर्धरेन्द्रेभ्य नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। और फिर आती है सायंकाल की मनोरम बेला, जिसमें भक्तगणों द्वारा भगवान के गर्भ कल्याणक का सजीव चित्रांकन मंच से किया जाता है। इस दौरान बड़ी धूमधाम के साथ तीर्थंकर प्रभु के माता पिता का कार्यक्रम स्थल पर आगमन होता है। इसी के साथ माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। तो थोड़े दोनों हाथ खोल करके हर्षोल्लास के साथ मनवारी झूमत माता ला क्या, मनवारी झूमत माता ला क्या, मरु मनरु मरु मनरु मरु मनरु। ऐसे में सभी भक्तों ने भक्तिभाव से माता की गोद भरी। तत्पश्चात सभी ने एक साथ मिलकर श्री जिनेन्द्र प्रभु एवं पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती उतारी। Come on,
इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला में भगवान के गर्भ कल्याणक के भावपूर्ण चित्रों का प्रकटीकरण होता है। इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौ धर्मेंद्र अपनी प्राण बल्भा प्रिय सचिंद्रणी सहित सौ धर्मेंद्र सभा में पधार रहे की पुरी की एक सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना आपके दरबार में अपने भक्ति प्रस्तुत करना चाहती है। आज्ञा है। प्रभु प्रीति की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ लल करे सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे लेकी प्रभु धारा नाम घूमर घूमर तभी देवराज इंद्र सौधम के मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होती है, प्रतीत हो रही है। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु। हे स्वामी आप किसे प्रणाम कर रहे हैं बताइए ना स्वामी। प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मधुगिरी के कुछ में प्रथम सुरकल तिलक का अवतरण हो रहा है। जय हो जय हो जय राजेंद्र की जय हो। कहिए देवराज क्या क्या है। ए लोकपाल हमारे परम मित्र द
धनपति कुबेर को हमारी सेवा में उपस्थित किया जाए। जय सिया के देवेंद्र। देवराज इंद्र को मेरा मेरा और मेरे इंद्रानी का प्रणाम स्वीकार करो। और तभी देवराज इंद्र स्वधर्मेंद्र, आओ मित्र आओ। प्रथम सूर्य के तिलक का अवतरण हो रहा है, वहाँ पर जाकर भव्य सुंदर नगरी की सर्वत्र भाद्र महल की रचना कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र जी। गर्भ कल्याणक मंचन के समापन की ओर जाते हुए तीर्थंकर प्रभु की माता 16 स्वप्न देखती हैं। गर्भ कल्याणक के इन दृश्यों की श्रृंखला में आगे ये दिखाया जाता है कि किस तरह महारानी मरुदेवी महाराज नाभिराय से 16 स्वप्नों का फल पूछती हैं और महाराज नाभिराय एक एक करके सभी 16 स्वप्नों का फल महारानी मरुदेवी को बताते हैं। रात के अंदर पैर में एक से बढ़कर एक 16 सपन देखे, मेरे देखने का 16 सपन का बतलाई ना। सह को देखने से अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। गज लक्ष्मी को देखने से इंद्र द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक को प्राप्त होगा। युगल पुष्प माल देखने से तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। अर्थात आपके गर्भ में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने वाला है। जय हो।
तो दर्शकों कुछ इस तरह गर्भ कल्याणक की कृत्रिम क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अगली कड़ी में हम कल फिर हाजिर होंगे इस महामहोत्सव के अगले दिन की झलकियों के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत।